हेलो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने बड़ी मुश्किलों के बाद नेपाल में काम स्टार्ट किया और उसी वीडियो का यह दूसरा पार्ट है दोस्तों। और आज के पार्ट में हम देखेंगे ये फूल और ये छत की डिजाइन हमने किस प्रकार से बनाई। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी लगा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा था हमने फूल को काट के रख लिया था और सारे कांच भी इसमें काट के रख लिए थे और बॉर्डर की रिप लगा दी थी। तो अब बॉर्डर के अंदर हमने इस प्रकार से ये फूल बनाए हैं। ये फूल दोस्तों जो एक शकरपारा होता है उसका भी 1/2 पार्ट करके और उससे इसको बनाया है। ये बिल्कुल एक उसकी तरह लगता है, पंखे की तरह, पवन चक्की के, और उस प्रकार से ये फूल चलता है। बड़ा प्यारा लगता है दोस्तों, लगने के बाद जब इसकी सफाई होगी ये बहुत शानदार लगेगा। तो ये हमारे बहादुर सिंह जी है, आप इनसे परिचित हैं और जो लोग नए हैं वो परिचित हो जाएं। ये बहादुर सिंह जी है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजगढ़ जिले के, और हमारे जो शीशा का काम करने वाली गैंग है उसके प्रमुख व्यक्ति है ये, और सबसे इनके ही कंधों पर है शीशे के काम का पूरा दारोमदार। तो ये देखिए, फिनिश होने के बाद ये कितना शानदार लगता है, मस्त लग रहा है दोस्तों। अब हम चलेंगे इसकी छत की ओर। तो अब छत स्टार्ट करें उसके पहले दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो कांच का काम सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने छत को पहले पार्टीशन कर लिया, उसमें लाइनें खींच के उसके 8 भाग कर लिए हैं। और जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये फूल सारा काट के कंप्लीट कर लिया। अब इसको हमें वहाँ सिर्फ ऊपर लगाना है। तो ऊपर जो हमने नाप लेके जो 8 पार्ट करे हैं उस हिसाब से ये 8 पत्तियाँ उसके अंदर लगेगी दोस्तों। तो ये प्रकार हमने घुमा के इसमें निशान लगा लिया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कांच का काम हो या कोई भी काम हो, मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। आपने व्यवस्थित मेजरमेंट लिया है तो आपको काम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, न कहीं जाकर कांच फंसेंगे, न कहीं जाकर टेढ़े मेढ़े होंगे। इसीलिए दोस्तों, हमने प्रकार से कांच लग फूल कटने के बावजूद भी छत के ऊपर निशान जरूर लगाए, ताकि हम कहीं भी इधर से उधर अव्यवस्थित न हों। इसलिए ये सावधानियां हैं दोस्तों। चाहते तो डायरेक्ट उठा के लगा सकते थे, मगर ऐसा किया नहीं, मेजरमेंट लिया, छत पर भी निशान बनाए, फूल बनने के बावजूद बनाए, ताकि व्यवस्थित ढंग से इस फूल को लगा सकें। तो ये फूल लग गया, इसके आसपास फिर फ्रेम लग जाएगी और फिर जो बीच में बची हुई जगह है उस जगह के अंदर इसमें भर्ती करेंगे। तो देखिए बहादुर सिंह जी कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। ये देखिए फ्रेम लग गया बाहर, और अब इस फ्रेम के अंदर वापस से एक फूल चलाएंगे, बेल जिसे कहते हैं, बेल टाइप चलाएंगे जो बड़ी ही सुंदर लगेगी। और बेल बूटे का काम ग्लास में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उससे ग्लास के काम का उठाव बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने फूल बनाए छोटे छोटे, तो यही फूल है जो हमने उस पट्टे के अंदर बनाए और उसी का रूप यहाँ पर दिया। इसके अंदर एक बेल बनेगी और फिर इसके अंदर बाकी की भर्तियाँ हो जाएगी, और उसके बाद इसका सेनेरो बहुत अलग लगेगा। आप देखिए, मैं बताता हूँ, ये अभी तो फूल लगे हैं और फूल के अंदर की पत्तियाँ लगने वाली है। ये देखिए, ये हरे कलर की पत्तियाँ लगाई है ये, और ये पत्तियाँ लगने के बाद आप इसका लुक अलग ही देखेंगे दोस्तों। ऐसा लगेगा एक बेल है जो सर्कल में चल रही है और उसके अंदर फूल लगे हुए हैं। और उसके बाद इसकी फ्रेम कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों, आप फिर मेजरमेंट पर गौर कीजिए, हमने हर पट्टे का एक अलग लाइन खींच के एक मेजरमेंट बना लिया है दोस्तों। कांच के साइड से ही कांच लगता है, ये बात सही है, मगर अगर आप इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं, जो चूने से लगा हुआ आपको साइड में कॉर्नर में दिख रहा है, इस प्रकार के निशान लगा लेते हैं तो आपको काम करने में ज़्यादा सुविधा होती है। ये पूरी छत लग गई दोस्तों, बड़ी ही प्यारी और सुंदर लग रही है इसकी सफाई करने के बाद। और इसी प्रकार के हम इसमें कांच के वर्क आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम ये दीवारों पे और जो सामने सिंहासन बना हुआ है उस सिंहासन पे लगाएंगे कांच, और दोनों चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और घर में बुजुर्ग हो तो उनका विशेष ख्याल रखिए।